खरौदा नगर परिषद की निर्वाचन 13 जुलाई को संपन्न हुए थे, जिसकी मतगणना 20 जुलाई को की गई थी। इसमें भाजपा से 8 पार्षद, कांग्रेस के 3 निर्दलीय, 4 पार्षद विजयी हुए थे, जिनमें आज भाजपा की श्रीमती शारदाज राम स्वरूप रावत निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई, तो वहीं उपाध्यक्ष के लिए राजीव सिकरवार निर्वाचित होने पर सभी ने मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस में प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री दर्जा जसवंत जाटव, पूर्व विधायक श्रीमती शकुंतला खटी, जनपद अध्यक्ष के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव के साथ सभी पार्षद व भाजपा कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जीत पर प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने क्या कुछ कहा। नहीं कह सकते कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये जरूरत है कि आज करेरा नगर की जिस प्रकार से जो स्थिति है उसमें बहुत कुछ है, एक व्यवस्थित विकास करने की आवश्यकता है। और हमारा परिषद से आग्रह रहेगा, हमारा भी रहेगा, हमारे माननीय निगम के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी का भी, हमारे पूर्व विधायक जी का, सबका भी आग्रह रहेगा कि परिषद एक प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनका निराकरण करें, और एक प्लान करके मध्य प्रदेश सरकार से हम लोगों का प्रयास होगा कि भरपूर आर्थिक राशि हमको यहाँ पर मिले। इसलिए आवश्यकता नगर में है कि यहाँ पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इसलिए हमारा फोकस भी होगा, हमारी पूरी परिषद इसके लिए ईमानदारी से काम करेगी और हम लोग लगातार उसमें सहयोग करने का काम करें। अच्छा शहर बने, लोगों को साफ सफाई की सुविधाएँ प्रॉपर हो, पानी की सुविधा मिले, अच्छी सड़कें हों, सीवेज की व्यवस्था, इसलिए प्रयास हम सबका होगा इस नगर को चहुंमुखी विकास की ओर हम ले जाएं। मेन समस्या करेरा की पूरे प्रदेश में, चाहे ग्रामीण निकाय के चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, सब में एक तरफा जीत हासिल हुई है। आज करेरा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को निर्वाचित, हमारे जो पार्षदों हैं उन्होंने सर्वसम्मति से निर्विरोध उनको निर्वाचित घोषित किया है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और सभी नगरवासियों के लिए खुशी का विषय है कि नगर की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर के जिन पार्षदों को चुना और उन पार्षदों ने एक राय होकर के सर्वसम्मति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया, इसका संदेश है कि सारी परिषद, सभी हमारे पार्षद मिलजुल करके नगर के विकास में आम सहमति से विकास का काम करेंगे। और मैं सभी पार्षदों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और नगर की जो हमारी जनता जनार्दन है उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। नगर के हमारे सभी साथियों ने, सभी हमारे मित्रों ने, हमारे सभी मीडिया के हमारे सहयोगियों ने आज इससे पूरे कार्यक्रम को समापन करने तक भरपूर सहयोग किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पिछले 15 सालों में नगर पंचायत करेरा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या सारी समस्याओं का हल हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये जरूरत है कि आज करेरा नगर की जिस प्रकार से जो स्थिति है उसमें बहुत कुछ है, एक व्यवस्थित विकास करने की आवश्यकता है। और हमारा परिषद से आग्रह रहेगा, हमारा भी रहेगा, हमारे माननीय निगम के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी का भी, हमारे पूर्व विधायक जी का, सबका भी आग्रह रहेगा कि परिषद एक प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनका निराकरण करें, और एक प्लान करके मध्य प्रदेश सरकार से हम लोगों का प्रयास होगा कि भरपूर आर्थिक राशि हमको यहाँ पर मिले। इसलिए आवश्यकता नगर में है कि यहाँ पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इसलिए हमारा फोकस भी होगा, हमारी पूरी परिषद इसके लिए ईमानदारी से काम करेगी और हम लोग लगातार उसमें सहयोग करने का काम करें। अच्छा शहर बने, लोगों को साफ सफाई की सुविधाएं प्रॉपर हो, पानी की सुविधा मिले, अच्छी सड़कें हों, सीवेज की व्यवस्था, इसलिए प्रयास हम सबका होगा कि इस नगर को चहुंमुखी विकास की ओर हम ले जाएँ। मेन समस्या